इतने बड़े बड़े टॉर्टोइज मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। दिस इज कामेश्वर टेम्पल। तो भाई नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं साहेब आपका भाई। तो अभी हम लोग कोहा मक्का से नीचे उतर रहे हैं और हाजो में और क्या क्या है उसको एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। और हम लोग अभी जहां पर जाएंगे उसका एक टॉप व्यू अगर आपको दिखलाऊं, वो वहां पर वो टेम्पल है और वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक बार फिर से यहां से नीचे उतरना होगा। तो पहला वाला एपिसोड काफ़ी बड़ा हो चुका था इसलिए हमने सोचा कि कुछ नया बनाते हैं, एक बार फिर से एक नया एपिसोड क्रिएट किया जाए। तो पहले अभी नीचे चल रहे हैं, आप बस व्यू का मजा लीजिए, व्यू का, क्योंकि सारे पैसे व्यू के ही है। एक चीज थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि इतनी खूबसूरत जगह पर रीना, डिंकी, पिंकी, रमेश, राजू सबके नाम लिखे हैं, हद है यार। वो देख लो रोड पे सेल्फी खिंचाई जा रही है, तस्वीरें ली जा रही हैं सड़कों के ऊपर बैठ करके। चेतक भाई तूने मिस कर दिया इसे, तुझे यहाँ पर राइड करना चाहिए था, बट कोई नहीं, चेतक का भाई एक्सपीरियंस उठा रहा है अभी। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि चेतक का भाई नाम है घातक। वाह, चेतक के भाई का नाम रख दिया घातक, ये कैसे चीज है भाई। वो यो 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 करके सारे रास्ते हैं भाई यहाँ पे। चचा प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है, चलिए ओके। जब हम लोग यहाँ से ऊपर जा रहे थे ना, यानी कि पहले वाले एपिसोड में, तो भी हम लोग को ये अंकल दिखे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। बहुत लोग है कि मतलब बोल बोल के मांगते हैं ना, ये कुछ बोल नहीं रहे थे। केदार मंदिर है, कैसे जाएंगे रास्ता? ये वाला तो भाई, ये रहा पुआ मक्का जाने का रास्ता और ये मस्जिद, और मस्जिद से सीधा टॉप पर है पुआ मक्का, और ये वाला जो बगल से रास्ता जा रहा है यानी कि वी शेप, आपको इसमें नहीं जाना है, अब मंदिर के लिए आपको इसमें जाना है। और अगर आपको पुआ मक्का जाना है तो आपको वो वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा। जंगलों के बीच में हो रही है ऑफ रोडिंग। वो ये सागवान के पेड़ है क्या? ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ सारे सागवान के ही। अगर कोई और प्लांट्स है, कोई और पेड़ है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। अरे गोप्रो की बैटरी हो रही है डेड, यानी कि एक बैटरी मेरी पहले ही खत्म हो चुकी है, दूसरी बैटरी हमने लगाई है और यहाँ पर गोप्रो को बंद करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि पता नहीं कब क्या मिल जाए। दिस इज अननोन, अननोन फॉर मी। जब भी आप ऐसी प्लेसेस पर घूमने के लिए आए जहाँ पे आप अननोन हो, जहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती हो, तो फिर ज़रूर साथ में किसी को आप रख लीजिए, जैसे कि इकबाल भाई। इकबाल भाई मेरे गाइड बन चुके हैं गुवाहाटी में घूमने में और लोगों से बातचीत कर रहे हैं SMS में, क्योंकि मेरे को SMS नहीं आती है। SMS म्यूज़िक प्ले किया जा रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो चुका है मंदिर मिलने का सिलसिला। यहाँ पे जो टेम्पल का नेम है ना, उसका तो नेम ही मिट चुका है। विष्णु जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? विष्णु जी का मंदिर। विष्णु जी का, अच्छा। और वो सामने वाला? ये दुर्गा जी का। दुर्गा जी का। और वो कहाँ है, मछली का तालाब कहाँ है? मछली तालाब ये है। लोग फिलहाल पहुँच चुके हैं यहाँ पे, चारों तरफ मंदिर ही है, कैंपस में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर एक मछली का तालाब है। हाँ, यहाँ पर जो तालाब है ना उसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं और मैंने ऐसा सुना कि मान्यता है कि इनको खिलाने से कुछ जो अच्छा पुण्य होता है, तो अभी उसको खिलाने के लिए चल रहा हूँ। यहाँ पर इतने सारे लोग खिला रहे लेकिन कोई आ नहीं रहा, तो फिश आया क्या? फिश नहीं आया, वो रहा टॉर्टोइज है। टॉर्टोइज है, अच्छा। यहाँ पे कोई मछली तो देखी नहीं, बस सिर्फ टॉर्टोइज है। भाई इतने बड़े बड़े टॉर्टोइज मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। तो भाई नेक्स्ट एपिसोड था लेकिन कपड़े नहीं बदले गए, कपड़े तो वही वाले थे।
अभी अचानक से ज़रूरत तब महसूस हुई जब गर्मी आने लगी, बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए हमने इसको उतार करके रख दिया बैग में। और अभी जो है ना बैग होता जा रहा भारी, फिलहाल थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। दीदी ने मुझे बताया कि ऊपर विष्णु लक्ष्मी और किसका, अच्छा और वो टेम्पल है, पहले वो देख लेते हैं फिर उसके बाद शिव टेम्पल यहाँ से आगे है ना 2.5 किलोमीटर। यहाँ से 95 स्टेयर्स है और हम लोग 95 स्टेयर चढ़कर के ऊपर जाएंगे। यार सब कुछ कह दो, बस सीढ़ियाँ चढ़ने को मत कहना यार। भाई सीढ़ियाँ चढ़ के हालत खराब हो गई है, लेकिन हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी नमस्कार। किस चीज किस का मंदिर है ये? विष्णु भगवान का है। विष्णु भगवान आपको हैग्रीव नाम लेके यहाँ विराजमान है। हैग्रीव, हैग्रीव नाम लेके यहाँ विराजमान है। विष्णु महेश सब विराजमान है। ओके मतलब दादा आज में जो पहला वाला एपिसोड आपने देखा था, उसके बाद जो ये दूसरा एपिसोड है, और मैं अब तक इतनी खूबसूरती को शायद ही नहीं देख पाया था यहाँ पर। चूंकि ब्रह्मा विष्णु महेश कायर तीनों ही विराजमान है, तो ये विष्णु भगवान है और उसके बाद हम लोग अभी शिव भगवान की तरफ चलेंगे, यहाँ से जो थोड़ा सा दूर पर है। कामाख्या टेम्पल, उमानंद टेम्पल और अभी यहाँ पर है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, और गुवाहाटी को सिटी ऑफ टेम्पल ही कहा ही जाता है। तो फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं केदारनाथ। हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सामने आ रहा है एक जबरदस्त वाला व्यू। और ये देखिए भाई, इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अब एक और मेजर चीज है, भगवान शिव का मंदिर है ऊपर में और वहां चल रहे हम लोग अभी। ये है यहाँ का गणेश टेम्पल, ये भी काफी पुराना है यार, है ना, स्टोन काट करके ही बनाया लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और एक बार फिर से हमारी चढ़ाई हो चुकी है शुरू। गणेश टेम्पल के जस्ट बगल से ही रास्ता जाता है आपको कामेश्वर टेम्पल के लिए, और ये बहुत ज्यादा चढ़ाई है यहाँ पर। ओए भाई चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा, चलो चलो। आपको चढ़ाई का अंदाजा ऐसे नहीं होगा, आपको चढ़ाई का अंदाजा ऐसे होगा जब ऐसे नीचे देखेंगे आप। देखो दिस इज कामेश्वर टेम्पल। जिस तरह से मंदिर बनाया गया है ना, ऐसा लगता है कि सिंगल पीस ऑफ स्टोन को कट करके इन्हें आकार दिया गया है। ये रहा अपना कामेश्वर टेम्पल जहाँ पर हम लोग आए थे, और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर आपको मिल जाएगा एक व्यू पॉइंट ज़बरदस्त वाला, जहाँ पर आप आ सकते हैं, थोड़ा सा पल बिता सकते हैं। और ये रहा वो व्यू पॉइंट, ज़रा गहराई देख भाई, ज़्यादा मत आ गया ना। भाई ऐसा था कि सब्र नहीं हुआ और मैं यहाँ पर आने के लिए मजबूर हो गया। ये देखो क्या लुक है, यहाँ पर बैठ के आप बहुत कुछ देखो, स्काई देखो, सनसेट देखो, सनराइज देखो, माउंटेन देखो, खेत देखो, जो देखने देखो। एक आखिरी टेम्पल जिसको अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है, वो है केदारनाथ। दादा टेम्पल किधर है केदारनाथ? ओके थैंक यू। यहाँ के जो लोग होंगे वो कितना ज्यादा इंजॉय करते होंगे ना, ऐसे पहाड़ियों में एक घर बना करके रह रहे हैं, इसकी खूबसूरती अलग है, यहाँ की वाइब अलग है।
और भाई लाइव सब्सक्राइबर काउंट देखे आपने? देखो भैया आप हमारे सब्सक्राइबर मटर कश्तियन है। हाय। अभी क्या है ना कि केदार टेम्पल हम लोग पहुंच चुके हैं, ये रहा आवर फाइनल डेस्टिनेशन और भैया यहीं पर रहते हैं क्या? हाँ यहीं पर। अच्छा, थैंक यू, वेलकम। तो अभी हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। कितने स्टेयर्स हैं यहाँ पर? 100 समथिंग। 103। ओके, 95 और 103। जंगल है चारों तरफ और दिस इज द रियल फॉरेस्ट। और हम लोग क्या है अभी एकदम असम वाइल्ड लाइफ में घूम रहे हैं। मंकी भी इधर है बहुत। थकावट हो जाती है, खतरनाक वाली चढ़ चढ़ के। हम लोग आपके दुआ से चढ़ गए। आपकी दुआ से चढ़। अभी हम लोग केदार टेंपल के अंदर हैं। काफी पुराना है यार, बहुत ओल्ड स्ट्रक्चर है। मैं कभी केदारनाथ नहीं गया लेकिन ये आसाम के गुवाहाटी यानी कि जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट है अपना, उसके अंदर जो ये केदारनाथ टेंपल है ये भी शायद वैसा ही वाइब दे रहा है और बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी पुराना, काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है ये। और मेरे को इससे ज़्यादा बेहतर कोई और प्लेस नहीं लग रहा था वीडियो को एंड करने के लिए। केदारनाथ टेम्पल के पास एक तालाब है यहाँ पर और इसमें डक्स भी हैं भाई, बतख। मेरे को ये चीज़ समझ भी नहीं आ रहा है कि यहाँ पर किस तरह से तालाब बनाया गया होगा। तो फिर अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।